एक्सटेंसिवली वेल रिसर्च, बहुत सारे अच्छे रिव्यूज है अबाउट जलियांवाला बाग मैसेकर. What is the research journey? How do you actually do this kind of a research? And for लंबी जर्नी थी. Okay. Crimson Spring जो बनी एक किताब फाइनली, इसमें दो चीज़ थी मेरे दिमाग में. पहले तो था कि एक पंजाब के ऊपर किताब लिखें, जो पंजाब की जो चीज़ें हमने रही नहीं हैं, अब जो कल्चर था, जो एटमॉस्फेयर था, जो जोग्राफी थी पंजाब की, अब तो वो जोग्राफी ही नहीं रही, कटपट गई है. तो उसके बारे में कुछ लिखें, जहाँ पे सोल्जर्स थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाते थे, रेवोल्यूशनरीज थे, तो वो मेरे दिमाग में घूम रहा था आइडिया. दूसरा आइडिया था कि आई वॉन्टेड टू राइट अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर व्हेन द 100 years वॉज कमिंग अप. सो देन आई स्टार्टेड रीडिंग ऑल दिस एंड कहीं पे ऐसा लगा कि तो एक्चुअली एक ही किताब है, दो किताब नहीं. तो फिर जलियांवाला बाग को सेंटर बना के उस, और मैंने ऐसे डिफरेंट प्रोटैगनिस्ट्स बनाए जो वॉइसेस हैं उस किताब में, जो अलग अलग हिस्टोरिकल नैरेटिव प्रोजेक्ट करते हैं. जैसे एक सोल्जर है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कहाँ गया, उसके एक्सपीरियंस यूरोप में क्या हुआ 1914 में, 1915 में, और वो डेजर्ट मेसोपोटामिया में कहाँ लड़े, तो वापस आए तो क्या एक्सपेक्ट करते थे, तो उसकी एक कहानी बन गई, तो वो जलियांवाला बाग में आ गए. ऐसे ही उधम सिंह जो रेवोल्यूशनरी थे, उसने उसकी कहानी रिसर्च करी कि कहाँ गया था, किस डेट पे कहाँ था, तो वो एक प्रोटैगनिस्ट बन गए. और ऐसे ही मिला के 9 प्रोटैगनिस्ट इंक्लूडिंग 2 ब्रिटिशर्स. सो देयर इज द एडीसी टू ब्रिगेडियर जनरल डायर हु वाज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम एट द टाइम ऑफ मैसेकर. तो उसका कैरेक्टर बनाया मैंने कि वो क्या देखता है, वो क्या सोचता है, और वो वहाँ तक कैसे पहुँचा, उसकी बैक स्टोरी क्या है, और आगे उसको क्या होता है जब वो डायर के फ्यूनरल में जाता है, उसके दिमाग में क्या क्या घूम रहा होता है. तो ये सब ऐसी 8-10 प्रोटैगनिस्ट को इकट्ठा करके उन ईच वन ऑफ देम ब्रॉट फोर्थ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. एक्सट्रीमली डिफरेंट, राइट? बिकॉज़ दे आर वेरी डिफरेंट. कोई माँ है, कोई बेटा है, कोई सोल्जर है, कोई कुछ है. हाँ, कोई एक, जैसे एक है जो सिर्फ अपना वो अपने बेटे को मिलना आता है, बेटा उसका वॉर से आ रहा है, सो ही इज़ द फादर, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और वो गवर्नमेंट, वो उसकी सोशो कल्चरल बैकग्राउंड कैसी रही, और उसकी शादी कैसे हुई. तो इसमें ये सब जो पंजाब का एटमॉस्फेयर था, जो चेंजिंग आइडेंटिटीज़ थी, हिंदू, सिख्स, कहाँ तक वो कॉमन था, कहाँ अलग हो रहा था, ये सब चीज़ें मिला के वो किताब बनी. इट टुक अ लॉन्ग टाइम बट आई एम वेरी हैप्पी विद. बट रिसर्च में बहुत मज़ा आया होगा. बहुत मज़ा आया, और लिखने में बहुत मज़ा आया, और उसको एडिट करने में खुद बहुत मज़ा आया, और फाइनल शेप इज़ वेरी आई थिंक इट्स कम आउट वेल.